स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू दी सेशन ऑफ क्लास सेवन्थ मैथ सब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स टुडे वी विल कवर आर नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.1 विच इज बेस्ड ऑन दी चैप्टर दिस इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज। मतलब कि आज असी एक्सरसाइज 8.1 करन जा रहे हाँ जो के चैप्टर जिसका नाम है राशियां दी तुलना नाल रिलेटेड है। ते बच्चों प्रीवियस वीडियो लैक्चर दे विच असी अनुपात यानी कि रेशो बारे जानिया सी। उस तो बाद असी डिस्कस कीते सी कुछ सवाल ते रेशो विच असी जानिया सी कि रेशो असी कदों लैने आ जदों तुहाडे को दो क्वांटिटीज हुंदियां ने वो सेम टाइप दियां क्वांटिटीज होण ते उना दिया उना दे यूनिट भी सेम होण यानी कि इकाइयां भी समान होण तां फिर असी रेशो जिहड़ी आ उह फाइंड आउट कर सकदे हां। जिद्दां असी 5 किलोमीटर दा 500 मीटर दे नाल अनुपात कढ़न लई असी पहला 5 किलोमीटर नूं की कीता सी मीटर दे विच चेंज कीता सी। ते विद्यार्थियों मीटर ना मीटर इत्थे कट्टिया सी, जीरो ना जीरो कट्टी सी, पांच ना पांच कट के 10/1 साडा आंसर आया सी। तो इह बच्चो अनुपात हो गया जिस विच असी की आ सेम क्वांटिटीज यूज करदे हां ते सेम क्वांटिटीज दा अनुपात कढ़दे हां। मतलब कि समान राशियां दी तुलना करदे हां उना दियां इकाइयां नूं बराबर करके। ठीक है, इकाइयां बराबर होनियां चाहीदियां ने मतलब कि यूनिट बराबर होने चाहिए हैं, अदरवाइज तुसी जिहड़ा है अनुपात नहीं कढ़ सकदे। सो आओ बच्चो हुण असी एक्सरसाइज नंबर 8.1 जिहड़ी है वह डिस्कस करन जा रहे हां। इस विच तुसी रेशो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फाइंड दी रेशो। ठीक है, क्वेश्चन की है फाइंड दी रेशो, यह इंग्लिश विच है, पंजाबी तुसी लिखना है अनुपात पता करो। किसका अनुपात पता करना है? पहला क्वेश्चन है तुहाडे कोल 5 रुपीज दा 50 पैसे दे नाल। ठीक है, 50 पैसे यानी के। ठीक है, हुण तुहाडे सामने है देखो इत्थे रुपीज हन इत्थे पैसे हन। ठीक है, दोनों दोनों मतलब कि रुपए ही हन पर दोनों दियां इकाइयां बराबर नहीं हन। तो 5 रुपए 5 रुपए दा अनुपात किदां लिखोगे? देखो 5 रुपए तुसी किया उपर लिख देने हैं, थले लिख देने हैं 50 पैसे, क्योंकि रुपए पैसे दे बराबर नहीं हैं। इस करके प्यारे विद्यार्थियों तुसी की करूंगे, तुसी इस विच सब तो पहला रुपए नू पैसे विच बदलूंगे। ते तुहानू पता है 1 रुपए दे विच किन्ने पैसे होंदे हैं? 100 पैसे। ठीक है, तो इत्थे असी 100 नाल की कर देंगे मल्टीप्लाई। तो उपर तुहाडे कोल हुण 5 गुणा 100 जिहड़ा 500 पैसे आ गए, नीचे 50 हैं। तो 1 0 ना 0 कट गई, 5 ना 5 कट गया, तो इहदा आंसर आ गया 10/1। तो यह पहले सवाल का आंसर जिहड़ा आ वह हो गया। ठीक है, इस तरह करना है। इस तो बाद ही नैक्सट तुहानूं सैकेंड साम है उहदे विच असी 15 kg का अनुपात जिहड़ा है वह 210 ग्राम के नाल फाइंड आउट करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों हुण तुहानूं यह भी पता है कि जिहड़ा केजी है उहदे विच 1000 ग्राम होंदे हन। ठीक है, 1 kg दे विच किन्ने ग्राम होंदे हन? 1000 ग्राम होंदे हन। तो इहदे विच असीं की आ 1000 नाल मल्टीप्लाई करके नाल ग्राम लिख दांगे, नीचे 210 ग्राम। देखो हुण ग्राम ना ग्राम कट गया, 1 0 ना 1 0 कट देनी है। तो ये बचो जिहड़ा 2 है ये 50 दूणा तुहानूं पता है किन्ना 100 होंदा है। ठीक है, तो हुण ये 50 दी 15 नाल गुणा करके किन्ना बन गया? 15 5 75 750/1 ठीक है, ये 21 सेगा। 1 सैकेंड इनू नाल 0 1 मैनू दिखा नहीं, ये एक्चुअल 21 है। तो 21 कितना कट होएगा? देखो 21 तुहानूं पता 7 × 21 = 15। ठीक है, 7 × 21 = 15, इनू आपां इत्थों कट कर दईए, ये हले कट नहीं होए, 100 साढ़े कोल इदां ही है। ओके, 7 × 21 = 15। तो विद्यार्थियों इहदा मतलब कि इहदे बराबर आ गया, देखो 5 × 15 मतलब कि इहदे विच 7 × 21 = 15 इत्थे 5 आएगा, 5 × 100 किन्ना आ गया? 500, 500/7 जिहड़ा इहदा आंसर होवेगा। ठीक है, 500/7। ओके, 21 सीगा इत्थे, 21 नूं असीं 7 × 21 ते कढ़ता, ते 5 × 15 यानी कि 15 और 7 नूं असीं इस तरह कढ़िया, 15/7 21 ते 5 × 15 होंदे हन। ते तुहानूं पता 3 × 7 = 21 होंदे हन, 3 ना 3 कट गए, 5/7 रह गया। ठीक है, 7 नीचे आ गया, 5 दी 100 नाल गुणा हो गए 500 बन गया। तो 500/7 साढ़े कोल वैल्यू आ गई। ठीक है, उस तो बाद हुण साडा नैक्सट सम होएगा थर्ड सम, असीं करन जा रहे हाँ थर्ड सम दे विच की है
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚੋਂ ਥਰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ 4 ਮੀਟਰ ਠੀਕ ਹੈ 4 ਮੀਟਰ ਦਾ 400 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 1 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤੇ ਇੱਦਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ 400 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨਾਲ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕੱਟ ਗਏ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕੱਟ ਗਏ ਚਾਰ ਨਾਲ ਚਾਰ ਕੱਟ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਆਇਆ 1:1 ठीक है 1:1 जिहड़ा आंसर है होएगा। तो इतने सेंटीमीटर नहीं लिखना है क्योंकि सेंटीमीटर ना सेंटीमीटर कट चुके हैं दोनों लंबाई लंबाइयां सी पर लंबाइयां दी इकाई बराबर नहीं सी एक दी 4 मीटर सी दूजे दी 400 सेंटीमीटर सी ठीक है। तो 4 मीटर नूं पहला असी सेंटीमीटर विच चेंज कीता फिर उस तो बाद उन्हां दे सेंटीमीटर ना सेंटीमीटर कट्टण तो बाद उन्हूं किया सॉल्व कर लिया ठीक है। नैक्सट हुण देखो क्वेश्चन बड़ा इंट्रस्टिंग आ कि 30 दिन यानी कि 30 डेज ने ठीक है 30 दिन ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ 36 hours। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੀ ਸਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 24 ਠੀਕ ਹੈ 24 hours ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ 30 × 24 ਠੀਕ ਹੈ 24 ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਆਰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆਰਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ 36 hours ਓਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ ठीक है तो ये 10 × 30 = 12 × 36 आ गए ठीक है 12 × 24 आ गए तो आरस ना आर बच्चों कट गए तो 10 × 2 किन्ने हो गए 20 थले किन्ना आ गया 1 तो 20/1 इहदा आंसर आ जाएगा ठीक है। किन्ना आंसर आएगा 20/1 ओके। तो इहनूं बच्चों सारे पहला बच्चे नोट कर लैन फिर उस तो बाद अगला सम असीं करदे आ। तो डीयर स्टूडेंट्स हुण साडा नैक्सट सम है सैकेंड सम नंबर सैकेंड जिहड़ा है ये की है ये पंजाबी दे विच पहला मैं लिख दिना कि अनुपात ठीक है कि अनुपात 1:2 ठीक है मैनू हुण आ दिता देखो एक एक अनुपात 2 × 2 = 3 ठीक है तुल हन तुल आपां गल कीती सी ठीक है मतलब क्वेश्चन हन डस 1:2 एंड 2:3 आर इक्विवेलेंट्स। हाँ जी ठीक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हन या नहीं हन ओके। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपां कल गल कीती सी कि जिन्हां दे सांझे गुणनखंड जिहड़े आ हुण ओह सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन च आ जांदे जिद्दां हुण देखो 1/2 ते दूसरा है 2/3 ठीक है 2/3 ते तुसीं देख सकदे हो इहदे विच जिहड़ी ए वैल्यू है जेकर इहनूं तुसीं मान लो 2 नाल मल्टीप्लाई कर दिंदे हो तो नीचे भी 2 ना मल्टीप्लाई करूंगे ए बन जाना 2/4 और नीचे कितना है देखो नीचे ऐसी एक चीज चलो सेम कर ली तो नीचे हैगा 2/3 तो तुसी देख सकते हो कि दोनों बराबर नहीं हन इतने 2/4 आ रहा इतने 2/3 आ रहा इसका मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं हन ठीक है। तो उदा भी इन्हों के सांझे कोई गुणनखंड है नहीं एक तो इलावा ठीक ते ये बचो फिर कह लो भी एक दूसरे के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं हैं या जो रेशोस हैं वो इक्विवेलेंट नहीं हैं। सो डीयर स्टूडेंट्स इसनों आप एक होर तरीके कर सकते हैं जिदा तो एक फ्रैक्शन दी ने एक 1/2 फ्रैक्शन दी है ठीक है और इतने तुम इदा करो इधर 2/3 लिख दो ठीक है तो तुम्हें की करना इन्हों क्रॉसिंग कर देनी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी यानी कि 1/3 मल्टीप्लाई कर देनी ओके तो 2/2 उपर उपर नीचे यानी कि क्रॉसिंग मल्टीप्लीकेशन कर देनी इन्हों आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहने टेढ़ी गुणा तो ये 1/3 कि बराबर आ गया 3 दे 2/2 कि हो गया 4 देखो आपस के बराबर नहीं हैं ठीक है जेकर तो यह इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे तो फिर यदा आंसर बराबर आना सी जिदा कि मान लो मेरे को 1/2 है तो दूजे पास मेरे को 2/4 है जो कि फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं तुम इनू की करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 4 × 1 = 2 × 2 4 × 1 कितना हो गया 4 2 × 2 कितना हो गया 4 तो ये देखो दोनों बराबर आ रहे अगर तो वह इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होन यानी कि तुल भिन्ना तुल अनुपात विच होवे ता फिर बच्चो आंसर जिहड़ा है क्रॉसिंग करके दोनों पासे सज्जे पासे खब्बे पासे बराबर आऊगा अदरवाइज वो नहीं आऊगा ठीक है। होर एग्जाम्पल लै लो 1/3 है यदि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैं लिखदा इतने 4/12 ठीक है तो तुम अगर इन मल्टीप्लाई करो तो ये देखो इनू जो कट दे 1/3 के बराबर ही आ रहा तो 12 की 1 ना गुणा 12 हो गए 4 की 3 ना गुणा है भी 12 हो गए तो 12 बराबर
12। ठीक है, तो इस तरीके ना तुसी इहनू कर सकदे हो, इह सिंपलेस्ट वे हैगा। ओके जी, सो इह साडा सैकेंड साम सीगा। हुण असी विचो नैक्सट टॉपिक जिहड़ा उह करन जा रहे हां, उस तो बाद असी फिर साम जिहड़े अगले करांगे। ओके, सो इह जिहड़ा अगला टॉपिक है ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਬੇਸਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਬੇਸਡ? ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਏ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ। ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ। ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ? ਦੋ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ? ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਵਰਸ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਵਰਸ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਪਾਤ। ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਪਾਤ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਲਟ, ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਲਟ ਅਨੁਪਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਪਾਤ ਔਰ ਉਲਟ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ? 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 40 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਾਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੀ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਸਪੀਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ? ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ 1 ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਆਰ ਚੱਲੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, 1 ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਤੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਕਾਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 40 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 60 ਹੁੰਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ? 60 ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ 60 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲੇਗੀ? 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਗਤੀ ਵਧੀ ਉਦਾਂ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ, ਉਹਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਈ। ਤੋ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਪਰ ਆਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ 1 ਆਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ 80 ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੋ ਇੱਥੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ, ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਰੀ, ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਉਹਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 60 ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਸੂਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਦੀ ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਸੂਈ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਹੀ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਓਕੇ, ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਹੀ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗੀ? ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗੀ? ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋਊਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ, ਘੱਟ ਸਪੀਡ ਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਪਾਤ। ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਵਧੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਵਧੇ, ਇੱਕ ਵਧੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਵਧੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ X1 ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ Y1 ਦੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ X1 ਨੂੰ X2 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ Y2 ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਨਾ, ਇੱਥੇ K ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਚਲੋ ਹਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੋ ਇਹ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, X1 ਓਵਰ X2 ਬਰਾਬਰ Y1 ਓਵਰ Y2। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਕੇ, X1 ਓਵਰ X2, Y1 ਓਵਰ Y2, ਕਲੀਅਰ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ? ਸਿੱਧੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ 40 ਦੀ ਸਪੀਡ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 40 ਦੀ ਸਪੀਡ ਸੀ, 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸੀ, 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਵਰ ਕੀਤੇ। 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੇਂਜ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਆ Y2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਕਰਕੇ।
ओके मतलब आ बटा ए बटा ए, समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो इस तरीके ने आप करते इनू कहते सीधा अनुपात। ठीक है, हुण असी उल्टा अनुपात बारे जानकारी ले लैने आ, ते फिर असी एक्सरसाइज 1.2 दे जिहड़े बाकी साम होणगे उह कल करांगे। ठीक है, इनू इन्ना ही तुसी करना है ताकि तुहाडे दिमाग विच सीधा अनुपात ते उल्टा अनुपात पहला बैठ जावे। ओके, ते फिर ही असी अगला टॉपिक जिहड़ा उह करांगे। ते बच्चों हुण असी उल्टा अनुपात बारे कर लैने जानकारी हासिल कि उल्ट अनुपात की हुंदा है। उल्ट अनुपात समझियो, हुण ध्यान नाल एक एग्जाम्पल लैने आ। मन लो तुहाडे कोल एक मैं एग्जाम्पल लैन लगा, तुहानूं हुण मैं एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट आ, तुसीं आम तौर पर कीती भी होनी आ। मान लो एक काम करना है असी, ठीक है, वन सानू वर्क दे दिता तुहानूं, मैं चलो मैं एक काम कह दिता कि बच्चो अज असी एक चार्ट प्रिपेयर करना है। ठीक है, की बनाना है? चार्ट प्रिपेयर करना है एक टॉपिक दे उपर। ते हुण वो चार्ट नूं प्रिपेयर करन दी मैं ड्यूटी लगाती दो बच्चों की। किन्ने बच्चों की? दो बच्चों की। ठीक है, रह गया पता। तो उन्होंने दो बच्चों ने उस चार्ट नूं प्रिपेयर किया जी 1 आवर के, एक घंटा लगाता, यानी कि एक घंटे के उन्होंने वो चार्ट कवर प्रिपेयर होया। ठीक है, फिर मैं उस चार्ट नूं बना ली, मैं चार बच्चों की ड्यूटी लगा दिंदा हाँ। हुण ये काम जल्दी नहीं होएगा? हुण उस काम नूं उन्होंने बच्चों ने किन्ने अद्धे घंटे के कर दिता। चलो चार्ट नहीं तो कोई भी काम आ, एक काम आ जिंदा, जिदा मान लो एक मजदूर आ। ठीक है, एक होर एग्जाम्पल ले लें कि मजदूर आ, एक काम करना है घर, घर ही बनाना किसी ने, एक दो मिस्त्री लगे आ। ठीक है, वह घर जिहड़ा हैगा, आपां इत्थे एग्जाम्पल ले लैने कि एक वर्क हो गया घर बनाना है, घर बनाण लई असी की आ दो मिस्त्री लगाते। ठीक है, मैथन जिहड़े ने दो मिस्त्री लगाते, ते दोवां मिस्त्रियां ने वो काम जिहड़ा है वह 15 दिनां दे विच कंप्लीट किया एक घर बनाण नूं। ठीक है, 15 दिन लगाए, यही काम करने मैं की सी ते चार मिस्त्री लगा दिंदा, फिर वो काम जल्दी नहीं होना सी? फिर वो मान लो 7 दिनां च हो गया। तो एक वध रही है, दूजी घट रही है, इहनूं कहिंदे उल्टा अनुपात। एक वधे तो दूसरी घटे, एक चीज वधे तो दूसरी घटे, उहनूं कहिंदे उल्टा अनुपात। सीधा अनुपात एक वधे दूसरी भी वधे। ठीक है, उल्टा अनुपात एक वधे तो दूसरी घटे। ओके, ये चीज याद रखना। तो इहदा रिलेशन हुण किदां आना, एक्स वन जिहड़ा है वह बटा विच कर देना, उबटा विच। ठीक है, इतने एक्स वन वाई वन जिहड़ा है बटा विच कर देना, वाई वन नीचे आ जाना, इदी एक्स टू डायरैक्ट प्रपोर्शन 1/2 दे होएगा, यानी कि इनवर्स प्रपोर्शन हो गई है। ठीक है, तो ये बचो के अपॉन वाई टू। ठीक है, हुण तुसीं की करना, इतने बचो ये एक्स वन वाई वन इक्वल टू के, तो इतने आ जाना एक्स टू वाई टू इक्वल टू के। यहाँ मतलब इक्वेशन की बन गई, एक्स वन वाई वन इक्वल टू एक्स टू वाई टू। ठीक है, एक्स वन वाई वाई वन एक्स टू वाई टू दोनों बराबर। ठीक, तो मतलब कहने का मतलब है तुसी एक आ फार्मूला याद रख लो। हुण मैं दोबारा सम अप कर देना, पहला असी की कीता डायरैक्ट प्रपोर्शन। ठीक है, डायरैक्ट प्रपोर्शन च फार्मूला की है, तुहाडी को दो क्वांटिटी सी, एक्स वन ओवर एक्स टू बराबर वाई वन ओवर वाई टू। ठीक है, तो इनडायरैक्ट प्रपोर्शन दे विच की करना है, यानी कि उल्टा अनुपात। ठीक है, उल्टा अनुपात विच की करना है, एक्स वन वाई वन, ओके एक्स वन एक मिनट आ आ थोड़ा जा वन सैकेंड एक्स वन हाँ एक्स वन वाई वन यही सीगा। ठीक है, तो ये आ जाना एक्स वन वाई वन इक्वल टू एक्स टू वाई टू। ठीक है, तो आ दो फार्मूले तुसी हुण याद रखने, सीधे अनुपात च बटा, सीधे च बटा, बटा कि सेम क्वानिटीज आ एक्स वन वाई वन एक्स वन एक्स टू, तो ये डायरैक्ट विच की आ मल्टीप्लाइकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन जो इदा कह लो, ये एक्चुअल इदा होंगे, इतने एक्स वन आते एक्स टू आ जो दोनों बराबर करने हैं, तो इधर की हो जाना वाई टू उपर कर देना, वाई वन थले कर देना, जो इदा याद रखना इदा कर लो, ताड़ी मर्जी। समझे कि नहीं? जिदा डायरैक्ट याद कर लिया, डायरैक्ट की है एक्स वन एक्स टू बराबर वाई वन वाई टू। ठीक है, उल्टा अनुपात लिखना है, वो की करना एक्स वन एक्स टू, इनू सेम लिख लिया इदा ही, तो अगले वाले की किया वाई टू उपर लिखता, वाई वन थले लिखता, बस ये फार्मूले बन गया। तो ये फार्मूले हुण याद रखने हैं, ये बेस से असी हुण अगले सवाल जिहड़े आ करांगे, एक्स सम नंबर 3 तो स्टार्ट करांगे, 3 ते 4 ते 5 तीन समान, फिर साड़ी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाणी। ओके, थैंक यू वेरी मच, इनू बच्चों हुण तुसी कर लियो, बाकी असी करांगे हुण नैक्सट टाइम। तो डीयर स्टूडेंट्स, हुण साडा जिहड़ा इहदे एक्सरसाइज बेस, चलो असी सामे कर ही लैने आ, ते इह सम हैगा जेकर 6 खिडौणियां दी कीमत 200
40 रुपए है तो 21 खिडौणिया की कीमत की होएगी। देखो हम एक क्वेश्चन है, पहला तो तुम्हें देखना पैना कि सीधी सीधा अनुपात में है या उल्टा अनुपात में है, वो तुम्हें की करना है बच्चों इदा टेबल ड्रॉ कर लेना। सब तो सौखा तरीका दसन लगा तुम्हें इस तरीके की है टेबल ड्रॉ कर लेना। ओके तो ये सब तो पहला इतने की लिख लेना खिडौने, खिडौने का मतलब टॉयस आ गया ना, ठीक है। तो उन्होंने प्राइस, प्राइस यानी कि रूपीज के रेट हैगा, ठीक है। तो छे खिडौने, जेकर छे खिडौने हैं किन्ने दे आ 240 रुपए के, ठीक है। तो 21 खिडौने किन्ने दे होणगे वह बच्चों तुम फाइंड आउट करना है। हुण आ एक्स वन हो गया, आ हो गया एक्स टू, ये हो गया वाई वन, तो यह हो गया वाई टू। तुसी आप हिसाब लाओ भी छे टॉय है 240 दे, तो 21 वध दे होणगे, पैसे ज़्यादा लगनगे। तो यदा मतलब यह हो गया डायरैक्ट प्रपोर्शन यानी कि सीधा अनुपात, कि अनुपात है सीधा अनुपात है। तो सीधे अनुपात में फार्मूला की सी, सीधे अनुपात एक्स वन ओवर एक्स टू बराबर वाई वन ओवर वाई टू, ठीक है। तो ये की करना 6/240 बराबर 21 बटा इनू वाई टू मान लिया सी, जो एक्स मान लो जो भी तुहाडी मर्जी है तुसी कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। मैं तो एक्स टू वैसे लिख दिता, तो तुसी इहनू वैल्यू नू इत्थे मतलब कुछ भी इदा एक्स मान सकते हो, कल्ली एक्स, ठीक है, वो तुहाडी मर्जी अपनी है। मैं तो वैसे इन्हां नू लिखण करके इत्थे कर दिता। हुण असी वाई टू की वैल्यू कढ़नी है जी, तो ये किदां कढूंगे, ये वाई टू इधर चल जाना, जिहड़े 240 हन उह उपर चल जाने, ये उपर चल जाणगे, इन इधर चल जाना, जां इहदी पहलां क्रॉसिंग कर दो। मैं एक सौखा तां कि तुसी कन्फ्यूज ना होवो, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਉੜ ਜਾਏ ਕਿਤੇ। ਤੋ 6 ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਇਹਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲੇਸ਼ਨ 6 × y, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਬਰਾਬਰ 21 × 240। ਤੋ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਵਾਈ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਢਣਾ, ਤਾਂ 6 ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, 21 × 240/6, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ 3 × 6 ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੋ 7 × 21 12 × 24, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 6 × 24, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੱਢ ਦਿਓ 6 × 24, ਠੀਕ ਹੈ। 40 ਤੇ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 0, 4 × 4, 4 × 8, 840 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 840 ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਿਲਾਉਣੇ ਹੋਣੇ 21, 6 ਖਿਲਾਉਣੇ 240 ਦੇ, 21 ਖਿਲਾਉਣੇ 840 ਰੁਪਏ ਦੇ, ਸਮਝ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਪਾਤ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੰਨਾ 25 ਲੀਟਰ ਹੈ, 25 ਲੀਟਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਾਰ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹੀ 30 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸ ਮੰਨ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਪਾਤ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ। ਤੋ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ 25/150 ਬਰਾਬਰ 30/x, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੀ ਕ੍ਰਿਸ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 25 ਦੀ ਐਕਸ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਬਰਾਬਰ 150 ਦੀ 30 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਐਕਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, 150 × 30/25, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ 5 × 5 = 25 ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲਓ 30 × 5 = 150, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ 6 × 5 = 30 ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਦਈਓ, ਅਤੇ 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 30 ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ, 25 ਵਿੱਚ 150 ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ 30 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲੇਗੀ, 180, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਧੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਹਰ 6 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 3 ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਨ, ਹਰ 6 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 3 ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਨ, 24 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਇਆ। ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਜੇਕਰ ਸਟੂਡੈਂਟ 6 ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਨ 3, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਪਾਤ 6/3 x/24 ਬਰਾਬਰ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ 6 × x ਬਰਾਬਰ 24 × 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 6 ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਭਾਗਦੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, 6 × 24 ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਐਕਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 4 × 12 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ 12 ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 24 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ? ਫਿਰ 12, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ 6 ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰ 3 ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕੰਪਲੀਟ। ਓਕੇ ਜੀ, 8.1 ਇਜ਼ ਡਨ, 8.2 ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ।